आप सब लोगों से यही शेयर करना चाहता था ताकि आपको पता हो कि सियासत में हमारे यहाँ लोग किस कदर गिर जाते हैं और किस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी स्टाफ की जिंदगी तनाजात से भरपूर रही। जलसों और टॉक शोज में शहबाज गिल ने शोला बयानियों में सबको पीछे छोड़ दिया। पगड़ियां उछालने से नाम बिगाड़ने तक शहबाज गिल ने कोई भी कसर न छोड़ी। कभी नवाज शरीफ को निशाने पर रखा तो कभी मरियम जद में आई। हमजा शहबाज हो, बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर आसिफ अली जरदारी, शहबाज गिल के लफ्जी वार से कोई भी महफूज न रह सका। बहुत कम लोग जानते हैं कि शहबाज गिल का पूरा नाम शहबाज शबीर गिल है। फैसलाबाद के इस नौजवान की निजी और सियासी जिंदगी तनाजात से भरपूर रही। 2007 में इस्लामाबाद की बैनल अक्वामी यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी इनका रिकॉर्ड कोई अच्छा न था। साथी प्रोफेसर्स और तलबा के साथ उलझने पर उन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया। शहबाज गिल तुंदो तेज बयानात की वजह से ही सियासी उफक पर उभरे। उनकी इमरान खान के साथ पहली मुलाकात 2007 में हुई, ताहम 2018 में उन्हें बाकायदा पीटीआई में शामिल किया गया। उस्मान बुज़दार की काबीना में इल्जामात के बाद उन्हें बतौर तर्जमान हटा दिया गया। इमरान खान शहबाज गिल की सलाहियतों के मुतारिफ थे, इसी वजह से उन्हें खास ओहदे चीफ ऑफ स्टाफ पर फाइज किया। शहबाज गिल काफी अरसे से बनीगाला में ही मकीम थे। उनका अपना खानदान अमरीका में रिहाइश पजीर है। इमरान खान से मुलाकात के लिए शहबाज गिल से राबता करना पड़ता है। बगैर शहबाज गिल के इमरान खान से मुलाकात मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन थी।